हेलो गाइस, दिस इज हर्षल। सो आपने बहुत सारे वीडियो देखे रहेंगे जिसमें ब्लॉगर्स को देखा रहेगा जो चोर बाजार या फिर ऐसे कई जगह पे जाते हैं जहाँ पे चीप रेट्स में कैमराज मिलते हैं। सो मैंने भी चेक किया उसके बारे में बहुत सारा। सो मुंबई का मार्केट है कैमरा सेंट्रल, जहाँ पे मैंने DSLR बहुत सारे देखे और बहुत बार गया भी हूँ। सो मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पे जो DSLRs है जो चीप रेट्स में अवेलेबल है, लाइक 8000 से लेके, जैसे बाकी यूट्यूबर दिखा रहे 8000 से 15000 में आपको सस्ते में DSLR मिलेगा, ये वो, लेकिन जो वो बता रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। तो मार्केट में कैमराज अवेलेबल है, नया बाय कर रहे तो अब अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन जो ओल्ड कैमराज की बात है वहाँ पे बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है। तो मोस्टली क्या है कि जो कैमराज वो लोग बता रहे कि आप ये कैमरा इतने प्राइस में बाय कर सकते हो, 8000 में, 10000 में, तो ये चीप प्राइजेस के कैमराज एक्चुअली में अभी के जनरेशन नहीं है। मतलब जो कैमरा अभी 8000 में बेच रहे हो लोग और फिर 10000 वो रेंज में, सो वो कैमरा एटलीस्ट 8 साल पुराना जनरेशन का होगा। मतलब लाइक जो 2010 या फिर 11 में प्रोडक्शन हुआ है या फिर वो तब का टेक्नोलॉजी। सो वो कैमरा आपको बाय करके बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें ना ही नए फीचर्स होंगे, ना ही ईजी यूजेबिलिटी होगा और वो बॉडी रिलायबल नहीं होगा, बिकॉज इतना यूज़ किया है। बिकॉज फर्स्ट थिंग कैमरा के बारे में मैं आपको बता दूँ कि शटर काउंट जो होता है वो कैमरा का एक लाइफ से रिलेटेड होता है। सो हर कैमरे का एक शटर लाइफ दिया रहता है कंपनी ने, सो उसके बाद उसका क्वालिटी डीजनरेट होने लगता है फोटोज का। सो वो फैक्टर्स भी है, फिर उसका यूजेबिलिटी फैक्टर है, उसका क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वो फैक्टर्स है। तो इतने चीप प्राइस में अगर कैमरा बाय करने जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट लॉस है। तो उससे अच्छा अगर यूट्यूब के लिए चाहते हो कैमरा या फिर किसी और यूज़ के लिए चाहते हो, सो बेटर यू कैन बाय अ पॉइंट एंड शूट जो आपको मतलब और बेटर देगा क्वालिटी और मतलब एटलीस्ट वारंटी के साथ देगा कि एटलीस्ट आपका मनी सेफ है। वो जो चीप प्राइजेस में मिलेगा उसमें कुछ गारंटी नहीं रहेगा और मोस्टली वो रिफर्बिश रहता है, सो बॉडीज आर चेंज, उनके पार्ट्स स्वैप किए होते हैं या फिर वैसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मैंने जो फर्स्ट कैमरा बाय किया था वो सेमी SLR था, सो मैनुअल मोड सब थे, लेकिन फुजी फिल्म का था। उसके बाद बाय किया मैंने निकॉन D3100। सो जब बाय किया तभी मैंने बाय किया था अराउंड समथिंग 13500 में। उसके बाद मैंने उसको 2 साल यूज़ किया, बहुत सारा सीखा उसमें से। उसमें वीडियो मोड था 1080p और वो कैमरा का मॉडल था 2011 का, आज चल रहा है 2018। सो आपको भी पता है कि इसमें कुछ सेंस नहीं है 2010 का मॉडल 2018 में यूज़ करना, क्वालिटी तो कम था ही उसमें, फिर फीचर्स में भी लैग कर रहा था बहुत सारे। सो बेटर ऑप्शन है कि वो वीडियोस देख के इन्फ्लुएंस ना होए, और बिकॉज इन्फ्लुएंस हो भी रहे तो आपको बेटर ऑप्शन ये है कि OLX पे चेक करो, प्राइजेस कंपेयर करो और बायर से ना एक बार बात करके मतलब ठीक से प्रोडक्ट चेक करके बाय करो, बेटर देन इससे। क्योंकि मैंने जब लेंस खरीदा था 50mm कैमरा के लिए निकॉन के लिए, सो मैं मुंबई सेंटर में सॉरी कैमरा सेंटर में चेक किया प्राइस। सो वो लोग ने प्राइस मुझे अराउंड बोला 4000-4500, बट सेम लेंस मैंने OLX पे से एक कस्टमर से मतलब सेलर से बाय किया अराउंड 3500 में। सो उधर जाके मैं इतना सब मेहनत किया और कुछ नहीं मिला, और इधर मुझे लोकली इजीली मिल गया वो भी लेस प्राइस में, 1000 लेस प्राइस में। सो बेटर चेक ऑन OLX और यहाँ पे आपको बेटर वैल्यू भी मिलेगा, बिकॉज यू कैन सीधा सीधा पूछ सकते हो कि हाँ कितने साल यूज़ किया है। वो दुकान वाले तो हम लोग को ये बताने के वाले कितने साल, बिकॉज 2010 का मॉडल अगर वो लोग बोल रहे कि एक ही महीना यूज़ किया है, दैट इज़ इम्पॉसिबल। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और बाकी अगर कैमराज के डिटेल्स आपको मतलब चाहिए तो मैं आगे और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, सो उसमें डिस्कस करेंगे। सो अभी ये चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, और कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। सो मैं और नए वीडियोज़ बनाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो इसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।